Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. So, pair of straight line or circle video lecture theory mein koi doubt? Pair of straight line, circle theory video lecture mein koi doubt? No, sir. चलेगा ठीक है. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डीपीपी 1 2 3 4 बोलो. क्वेश्चन नंबर प्रणव देश पांडे सर, अगर कभी भी पासिंग थ्रू द फिक्स. हाँ बोलो ना. क्या है सर? क्या था? एक मिनट सर. सर अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर, सर इसका जनरल इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर. हाँ तो दिया है ना वो वीडियो लेक्चर में. सर समझा नहीं सर क्या किया. तो वो तो फिर वीडियो बार बार देख लो तुम. नहीं उस पर क्या डाउट है ये पूछो. अब वो टॉपिक फिर कवर करके कुछ मतलब मिलेगा नहीं. वही फिर से रिपीट हो जाएगा जो वीडियो लेक्चर में बोला मैंने. सर उसमें कहाँ डाउट करके. सर सर होमोजीनियस इक्वेशन ही दिया है.
किसमें? सेंगेज में. सेंगेज में हाँ, बस होमोजेनियस इक्वेशन ही दिया है, मतलब वो हाँ वो सेकंड डिग्री का पूरा नहीं दिया है जनरल. हाँ वो इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि सिलेबस में क्या है ना, ज्यादातर होमोजेनियस के लिए ही है तो वो जनरल के लिए टच नहीं करते हैं. पर क्या होता है ना, कई बार मटेरियल में क्वेश्चंस, फिर टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस रहता ही है जनरल के लिए, तो अपने को आइडिया रहना चाहिए कि जनरल का कैसे होता है ना. चलेगा सर. उसमें वो हाँ पॉइंट ओरिजिन पे शिफ्ट करके फिर से कैसे शिफ्ट किया वो नहीं समझा सर. वो पहले क्या किया, वो जनरल था ना, तो जनरल था तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा बीटा था, तो उसको शिफ्टिंग करके तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो अल्फा बीटा बन गया 0.0. फिर उसके लिए वो आ गई होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और उसका एंगल बाइसेक्टर अपने को आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, तो वो उसने लिख दिया. लेकिन ये तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए हुई, पर क्वेश्चन तो ओल्ड में है, क्वेश्चन तो ओल्ड एक्स वाई में है, तो फिर से शिफ्टिंग लगानी पड़ेगी, तो वही उल्टी शिफ्टिंग. तो जो पहले ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग था उसी को माइनस से रिप्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा, ओल्ड के लिए आ जाएगा स्मॉल एक्स वाई के लिए. फिर वही है जो वीडियो लेक्चर में है. सर आप प्रेजेंट कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? सर आप कुछ लिख रहे हो क्या स्क्रीन पे? हाँ अभी लिखा. दिखा? सर नहीं दिख रहा. ठीक है. नहीं अभी तो लिखा नहीं मैंने. लिखा अब दिखा. अब दिखा. व्हाइट स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी सर पहले. तो प्रणव देशपांडे सर, अगर कभी भी पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट बोले तो फैमिली ऑफ लाइंस लगाना है. हाँ बिल्कुल, अगर कभी पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट बोले तो वो फैमिली ऑफ लाइन ही निकल के आने वाली है, क्योंकि फिक्स पॉइंट है ना एक ही पॉइंट है, तो वो फैमिली ऑफ लाइन में ही होता है. चिन्मय सोंगिरकर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कब रहेगा? जब एम वन प्लस एम टू जीरो होगा, क्योंकि एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टू एच अपॉन बी, तो यानी माइनस टू टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन एच. तो अगर ये जीरो हो गया तो एम वन प्लस एम टू जीरो होगा, और एम वन प्लस एम टू इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो वो लाइन्स दोनों एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी. इसका एक और मतलब भी होता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द एंगल बाइसेक्टर्स. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द एंगल बाइसेक्टर होमोजीनियस के केस में. ओके प्रणव देशपांडे सर, प्रीवियस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत मदद कर रहा है. हाँ वो रहता ही है. हाँ बोलो सर. वो हर लाइन सर कौन से ना कौन से फिक्स पॉइंट से पास ही होगी ना सर? नहीं ऐसा नहीं है, कभी फैमिली ऑफ लाइंस भी हो सकती हैं. कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल, ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल लाइंस हो, स्लोप सेम आ रहा हो, तो वो भी एक फैमिली है. फिर ऐसी भी कोई फैमिली हो सकती है जो एक सर्कल को टच कर रही है, वो भी एक फैमिली है, पर जरूरी नहीं है कि वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है. पर जब बिना फिक्स पॉइंट पासिस अगर बोला जाए कि पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, तो फिर अपन फैमिली ऑफ लाइन सोच सकते हैं. ओके पेरिस्टेट लाइन क्वेश्चन नंबर डीपीपी 1-4. तो देखो प्रणव देशपांडे 3-6 3-6-27 32. अरे यार बैटरी बहुत कम है, एक मिनट बैटरी. डीपीपी 6-10-11-23-24-34-39. एक मिनट ना, ये पेंसिल का बैटरी चार्ज हो रहा है. तुम लोग क्वेश्चन लिख दो अपने पैरेलल स्ट्रेट लाइन डीपीपी 1-4. 1-4 मतलब 1-2-3-4. पैरेलल स्ट्रेट लाइन डीपीपी 1-2-3-4. एनी अदर क्वेश्चन?
तो 3, 3, 6, 27, 32, 34, 39, 18, 19, 20, 27, 29, 34. ध्रुव चिन्मय सोंगिरकर 23, 24, 27, 34, 39, 40. निनाद क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 38. शिवम वाडकर क्वेश्चन नंबर 3, 6, 14. शिवम वाडकर क्वेश्चन नंबर 24, 26, 27, 28, 29, 30. शिवम वाडकर 34, 39, ठीक है. पार्थ नगोरी 27, 32, डन. अथव जोशी क्वेश्चन नंबर 4, 6, 15, 24, 29, 30, 32, 34, 36, 39, डन. चलेगा. एनी अदर क्वेश्चन? स्टार्ट करूं क्या? स्टार्ट करूं? यस नो? हाँ सर करो स्टार्ट. चलेगा. मानस देशमुख ने हाँ बोल दिया. अब मानस की बात तो मैं कभी टालता नहीं. हाँ सर करो स्टार्ट. चलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थ्री इजी क्वेश्चन है. द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. तो 3 में क्या करना है? इसमें एक एक्स इजिकल टू वाई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर दूसरी लाइन हो जाएगी. तो वो अपने को ऐसा समझ लो डिवाइड करना पड़ेगा. तो अभी देखो ना, वो इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर बी माइनस सी माइनस एक्स वाई इंटू ए बी माइनस बी सी प्लस सी वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए बी ए टाइम्स बी माइनस सी इंटू एक्स, ताकि ये पहला वाला टर्म आ सके. फिर दूसरे वाले टर्म को लिए माइनस सी टाइम्स ए माइनस बी इंटू वाई, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आ जाए, ठीक है. और ये वाला टर्म आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट आएगा. तो इसमें ट्रिक ये थी कि सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो होता है तो एक रूट है वन होगा, तो एक रूट वन होगा. तो अगर एक रूट वन है तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स अगर लाइन है और एम वन है तो एक लाइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नालायको, रेफर नोट्स. ये जिसका भी क्वेश्चन है ना, ये किटी पार्टी में उठना बैठना बंद कर दो. क्वेश्चन नंबर 4 डन. नोट्स का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. तो 2x square minus 10xy plus 12y square plus 5x minus 16y minus 3 equal to 0. तो ओरिजिन से पास होने वाली इसकी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए. तो पहले क्या करते हैं, ओरिजिन से पास होने वाली तो बस वो यही होगी 2x square minus 10xy plus 12y square equal to 0. अब अपने को चाहिए इसके परपेंडिकुलर, अपने को चाहिए इसके परपेंडिकुलर. तो ये ऐसे समझ लो ये 12m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा माइनस 1 बाय m. तो इसको माइनस 1 बाय m से रिप्लेस कर दो. तो इसको माइनस 1 बाय m से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया 12 प्लस 10m प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0. 2 कॉमन आ जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
अब m को y by x पुट कर दो तो ये उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो y square plus 5xy plus 6x square equal to 0. This is the answer. ये आना चाहिए था, easy था. Question number 10. 10 भी easy है. Sir. हाँ बोलो. Sir, 6th में दोनों equation को factorize करके वो दोनों straight lines के perpendiculars निकाल के कर सकते थे क्या? हाँ वो भी कर सकते थे, पर उसके लिए फिर ओरिजिन से पास कराना पड़ेगा. वो भी कर सकते हैं पर वो बहुत लेंदी हो जाता. x square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो वो कह रहा है कि एक स्लोप दूसरे स्लोप का लैम्डा टाइम्स है, तो कंडीशन बतानी है. तो ठीक है, अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी का हो जाएगा m लैम्डा. तो बस अपने को m एलिमिनेट करना है. तो y equal to mx पुट किया तो bm square plus 2hm प्लस ए इक्वल टू जीरो. तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे m इंटू m लैम्डा. नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना. तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा लैम्डा हो जाएगा. तो m m में कंफ्यूज नहीं. तो सम ऑफ रूट्स तो वो आ जाएगा माइनस 2h अपॉन b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर इंटू लैम्डा इज इक्वल टू a बाई b. तो यहाँ से अल्फा इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b. ये फिर उधर चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्या करते हैं, एलिमिनेट अल्फा. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a बाई बी लैम्डा का स्क्वायर रूट. तो ये पुट कर दो तो रूट ओवर a बाई बी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो वो रिलेशन आ जाएगा. फंडा क्या था, अल्फा एलिमिनेट करना था. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का था. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है. वो बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0 है. तो अपने को बताना है कि इसके जो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे. तो ठीक है, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू माइनस 1. तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है x और m इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस 1 कब होगा. दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस 1 तब होगा जब या तो पहला वाला माइनस 1 है और दूसरा वाला 1 है, या फिर पहला वाला 1 है और दूसरा वाला माइनस 1 है. तो इसके हिसाब से x आ जाएगा 2, और अगर x 2 है तो m आ जाएगा माइनस 1. इसके हिसाब से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अगर x 4 है तो m आ जाएगा माइनस 5. तो इसका मतलब है वो दो जो लाइन होंगी उनके जो स्लोप्स होंगे वो या तो माइनस 1 है या माइनस 5 है. तो बस हो गया. तो y इज इक्वल टू माइनस 5x, y इक्वल टू माइनस x. तो एक हो गई x प्लस y इक्वल टू 0, दूसरी हो जाएगी x प्लस 5x plus y equal to 0, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो x plus y into 5x plus y. तो ये कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी. तो ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था. 11 डन. एक मिनट ना, पानी पी लेता मैं. एक मिनट ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. कहाँ गया यार, एक मिनट ना.
ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे ये तो बहुत इजी है. इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस. तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, उन होमोजीनियस इक्वेशंस के एंगल बाइसेक्टर हैं कौन? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना. तो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन, तो एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी? तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस. और कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगी एक्स वाई इक्वल टू जीरो. पर कायदे से ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो इसके हिसाब से एंगल बाइसेक्टर कितना आना चाहिए था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. ठीक है, एक्स वाई अपॉन एच. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई. पर आना तो एक्स वाई चाहिए था, तो इसको खत्म होना पड़ेगा. तो एच इज इक्वल टू जीरो. तो एच इज इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, इफ द टू पेयर ऑफ लाइन आर, एक जो दे रखी है वो दूसरे वाली के एंगल बाइसेक्टर है. अरे ये तो नोट्स का ही क्वेश्चन है. 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो नोट्स के क्वेश्चन कैसे पूछ लेते तुम लोग? थोड़ा तो सोचना चाहिए तुमको. तो ये देखो, एक इसमें से एक जो पेयर है वो दूसरे वाली की, एक जो पेयर है वो दूसरे वाले की एंगल बाइसेक्टर है एक दूसरे की. तो ठीक है, तो एक दे रखी है, एक अपन लिख लेते हैं. तो एक अपन लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस एम. तो ये हो जाएगी माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई. तो इसको तमीज से लिखा तो माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एम वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया. तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एम एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. और जबकि दे क्या रखिए? एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग. तो कंपेयर किया तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म सेम है, वाई स्क्वायर का टर्म सेम है, तो ये भी सेम होना चाहिए. तो टू बाय एम इक्वल टू माइनस टू एन, टू एन. तो ये आ जाएगा एम एन इक्वल टू माइनस वन. तो आंसर आ जाएगा एम एन इक्वल टू माइनस वन यानी एम एन प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो ये नोट्स का ही क्वेश्चन था, ऐसे मत करो, नोट्स तो अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या दिया है? द डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल्स. तो मान लो वो लाइंस के जो एंगल्स हैं, एक एंगल है थीटा वन और दूसरा एंगल है थीटा टू. तो वो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स यानी टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन पूछ रहा है. वो टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू पूछ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का. टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू पूछ रहा है वो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स. तो अगर तुम नोटिस करोगे तो एम वन माइनस एम टू लिखा है, क्योंकि टेन थीटा वन यानी पहला स्लोप और टेन थीटा टू मतलब दूसरा स्लोप. तो एम वन माइनस एम टू, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन. अब वो कहाँ से आएगा? इक्वेशन दे रखे एक्स स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स वाई टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अगर इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स पुट करता हूँ तो ये आ जाएगी
m sin square theta into m square minus 2 tan theta into m plus 6 square theta minus 10 square theta equal to 0. तो m की quadratic आ गई, इसके दो roots m1 m2. तो यहाँ से sum of roots आ जाएगा, ये चला गया quadratic equation. और यहाँ से product of roots आ जाएगा. तो अपने को क्या पूछा है, difference of roots. तो वो कितना होगा, root over m1 plus m2 का whole square minus 4 m1 m2. 4 m1 ठीक है. नेक्स्ट है 18 डन. क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना था. तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि ये दो लाइन जो दे रखी हैं, एक है सॉरी दोनों जो है ax square plus 2hx square plus by square equal to 0. तो y equal to 0 के अबाउट मिरर इमेज निकालना है. तो ऐसे सोचो, जो चीज पहले इधर थी वो अब इधर हो जाएगी, यानी इधर थी वो इधर हो जाएगी, मिरर इमेज निकालना ना. तो जो x था वो माइनस x हो जाएगा. तो बस करना क्या है, x की जगह माइनस x रख दो. तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर माइनस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. अच्छा, अरे यार चलेगा, थैंक्स फॉर द करेक्शन. मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को ध्यान है कि नहीं, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा ऐसा. तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा तुम लोग ध्यान दे रहे कि नहीं पढ़ाई में, है ना सर. तो चॉकलेट मानस को चॉकलेट चाहिए. ठीक है, मानस को चॉकलेट, डन. सर मैंने भी बोला था. क्या नाम है, निनाद? हाँ सर. चलेगा निनाद. तुम अभी कहाँ गई मेरी एक्सेल फाइल चॉकलेट की, ये रही. सर आपके पास चॉकलेट की भी एक्सेल फाइल है? अबे जब कोविड में नॉन कोविड में खुलेगा तो देनी पड़ेगी ना सबको चॉकलेट, है कि नहीं? सर कब खुलेगा सर, अभी तो साल भी खत्म होने को आ गया. हाँ ठीक, पता नहीं, पर जिंदा रहते हुए खुलेगा तो अच्छा लगेगा. कभी ना कभी तो खुलेगा ना सर. हाँ और क्या, ज्यादा से ज्यादा अगले साल. और क्या, तू तो जेई घर पे बैठ के दे. नहीं नहीं इतना नहीं होगा, जेई तो बारी लगेगी. जेई के लिए अभी 2 साल है ना. तुम्हारे टाइम तक आराम से हो जाता सेटल, कोई दिक्कत नहीं है. अभी 2-3 महीने में हो जाएगा सेटल सब. अरे 2 साल नहीं हो गए, 7-8 महीने, अभी कम टाइम बाकी है बहुत. ठीक है, जिंदा रहे तो ज्यादा अच्छा है ना. ओके तो देखो, तो ये जो है इसका मिरर इमेज निकालना था एक्स एक्सिस के अबाउट. तो मैं ध्यान, तो ये जो है जो चीज ऊपर थी वो चीज अब नीचे होनी चाहिए. तो यानी तो जो पहले वाई था अब वो माइनस वाई होगा. तो बस करना क्या है, वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे. वाला आंसर तो सेम ही आया रे. तो देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आंसर सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 19 डन. 20 क्वेश्चन नंबर 20 कौन नालायक पूछा, ये नोट्स का ही क्वेश्चन है. ये ऐसा है ना, दो लाइन दे रखी है, फिर एक को थीटा से रोटेट किया और दूसरी वाली को भी उतना ही रोटेट किया, दूसरी वाली को उतना ही रोटेट किया थीटा सीटा से. तो अब इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, सेम रहेगी. तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन सेम रहेगी. क्या है, नोट्स का क्वेश्चन है, कैसे पूछते हैं ये लोग, नोट्स पढ़ते कि नहीं पढ़ते ध्यान से. तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम रहेगी. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट है 23. अच्छा क्वेश्चन है, एक काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को भी यूज किया गया है.
इसके अंदर तुम देखोगे तो आधा तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है, सही बोलो तो, है ना। तो 23 देखो, तो 23 में दिया है ax स्क्वायर प्लस 4, वो a नहीं है वो अल्फा है वो, तो अल्फा x स्क्वायर प्लस 2 4 गामा एक्स वाई प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 4 पी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 represents a pair of straight line. तो अगर ये pair of straight line है तो इसका delta 0 आएगा, और delta अगर 0 आएगा तो इसका देखो a alpha है, b beta है, c इसका 4p है, f इसका 2p है, g इसका 2p है, और h इसका 2 gamma है. तो a b c plus 2 f g h minus a f square minus b g square minus c h square equal to 0. इसको तमीज से लिखा तो ये आती है 16 p gamma square minus 16 p square gamma plus 4 p into alpha p minus alpha beta equal to 0. तो ये gamma की quadratic बन गई, और गामा एक रियल नंबर है, तो गामा अगर रियल नंबर आ रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा b स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसमें ये बीटा p भी है, तो अल्फा पी प्लस बीटा पी माइनस अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 16 का स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर इनटू पी रेस टू 4 माइनस 16 का स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर इनटू अल्फा पी प्लस बीटा पी माइनस अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 16 स्क्वायर चला जाएगा, तो पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर भी चला जाएगा, तो ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू पी प्लस अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको अगर फैक्टराइज किया तो ये पी माइनस अल्फा इंटू पी माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा, तो और क्वेश्चन में दे रखा कि अल्फा बीटा से छोटा है, तो अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वेवी कर्व तो अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा, तो इसका मतलब या तो पी अल्फा से छोटा होगा या फिर पी बीटा से बड़ा होगा. तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट था सर. हाँ बोलो सर. पर इसमें ऐसा कहा दिया है कि गामा रियल नंबर ही है, वो या तो मानना पड़े, नहीं रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना सर, तो इमेजिनरी पेयर भी हो सकती है ना. नहीं नहीं नहीं, रियल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो रियल मान के करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए फॉर गामा रियल के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिया होना चाहिए था. चलता है, पर वो अंडरस्टूड है ना. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें क्या होगा ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0. तो उससे पूछा डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, तो कॉमन सेंस है कि अगर इंटरसेक्टिंग होती तो डिस्टेंस 0 आता, तो डिस्टेंस अगर पूछा है तो मतलब पैरेलल ही होगी कोई, तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी. तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब मैं, हाँ बोलो सर. एच स्क्वायर ए बी तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी. नहीं, वो पैरेलल लाइंस के केस में भी होते हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है ना तेरा, टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो कोइंसिडेंट तब होती है जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी ना
और थीटा जीरो होगा तो वो कोइंसिडेंट होगा, पर पैरेलल के केस में भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है क्योंकि थीटा जीरो आता है ना तेरा, तो पैरेलल के केस में थीटा जीरो रहता है। ठीक है ओके, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो मुझे वो दोनों लाइन का पता होना जरूरी है, तो मैं दोनों लाइन ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ से करता तो रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई का होल स्क्वायर, तो यानी वो दोनों लाइन कौन होंगी, रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस अल्फा इंटू रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस बीटा। तो देखो दोनों लाइन के स्लोप्स तो सेम आ गए, बस भगवान मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू दे दे तो आगे मैं कर लूँ। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, अल्फा बीटा दो अननोन दो इक्वेशन, तो मैं यहाँ से कंडीशन निकालूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2g बाय रूट ए और अल्फा बीटा आ जाएगा c, है ना। नेक्स्ट तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बचा क्या, अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट, तो सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है तो वहां से आ जाएगा, तो रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा अपॉन रूट ए प्लस बी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको तो स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हो, तो स्टार लगा लो इसको, एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 24 को स्टार लगा लो, एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द कॉमन पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर होमोजेनाइजेशन, तो ये तो आना चाहिए था। कभी भी सेकेंड डिग्री कर्व लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होमोजेनाइजेशन, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक दे रखा है कर्व सेकंड डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक लाइन है वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी और उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर है, तो हो गया होमोजेनाइजेशन। कैसे करते हैं, पहले वन की वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी, तो वाई माइनस थ्री एक्स अपॉन सी इक्वल टू वन, फिर इसको होमोजेनाइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें दो डिग्री कम पड़ रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस थ्री एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कौन आ गई, ये ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आ गई, पर क्वेश्चन में तो दिया है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, ढूंढो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा वन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कितना आएगा वन कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर। जब इसे स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, बाहर बैठा है माइनस फोर, तो माइनस फोर इंटू नाइन नाइन बाय सी स्क्वायर, और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर आएगा माइनस फोर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये मुझे क्या करेगा, सी की वैल्यू दे देगा, तो देखो टू माइनस थर्टी सिक्स बाय सी स्क्वायर माइनस फोर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया टू सी स्क्वायर माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी। क्वेश्चन में सी स्क्वायर का ही वैल्यू पूछा है, आना चाहिए था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 अबे नालायको से कैसे पूछते तुम, ये तो क्यूबिक है ना, ये क्लास का ही क्वेश्चन है सर, थोड़ा क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ऐसा क्या। हाँ तो वो क्वेश्चन में जो पहला टर्म है ना वो 3x क्यूब है, तो क्वेश्चन में बस यही प्रॉब्लम है कि वो 3x क्यूब है। क्या सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और गलत आ गया, अरे वो समझता है ना बाकी के क्यूबिक के टर्म्स है ना, तो इसलिए समझता है ना बाकी क्यूबिक टर्म्स है ना सर। वैसे आंसर मतलब सॉल्व किया तो फिर माइनस थ्री आ रहा, पर आंसर तो थ्री है। हाँ आंसर माइनस थ्री आ रहा है, चलेगा चेक कर लेते अपन, है ना। ठीक है तो चेक कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये है थ्री एक्स क्यूब
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू जीरो. तो ये ओरिजिन से पास होने वाली तीन लाइन्स है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स इसमें रख दो तो ये आएगा डी एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो इसके तीन रूट्स आएंगे. वो तीन रूट्स क्या बता रहे हैं, वो तीनों लाइन के स्लोप्स बता रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ये दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं यानी m1 m2 इक्वल टू माइनस वन. अब मैंने इसमें लगा दी थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट. पर m1 m2 कितना है माइनस वन, तो माइनस m3 इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन डी. तो m3 कितना आ गया, m3 आ गया थ्री बाई डी और m3 रूट है, तो m3 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. M3 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो D इंटू तो रख दो इसको, तो 3 बाई डी का होल क्यूब, 3 बाई डी का होल क्यूब फिर माइनस 3 टाइम्स 3 बाई डी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 बाई डी प्लस 3 इक्वल टू जीरो. तो ये मेरे को देगा D की वैल्यू. तो ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व मुश्किल नहीं है. तो ये 27 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 27 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 बाय डी प्लस 3 इक्वल टू जीरो. अरे कुछ तो लफड़ा हो गया, ये 27 डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है चलो जाने दो. तो ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो ये आ गया 9 बाय डी प्लस 3 इक्वल टू जीरो. तो 9 बाय डी इक्वल टू माइनस 3, तो 3 तो d इक्वल टू माइनस 3, तो d इक्वल टू माइनस 3 27 का d आंसर दिया है. हाँ यहाँ पे कुछ इशू है यार, ये तो ये तो लफड़ा हो गया यहाँ पे कहीं. तो सर 27 का तो माइनस 6 और 3 दिया है सर. नहीं उसको जाने देते हैं, अपन यहाँ से भी तो आना चाहिए ना. 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगा dm क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 इक्वल टू जीरो. m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस 3 बाय d वो भी सही है, तो m3 इक्वल टू 3 बाय d वो भी सही है. तो d इंटू 3 बाय d का होल क्यूब माइनस 3 into, ये किसी का माइक ऑन है माइनस 3 इंटू 3 बाई डी सर. वो अपने वो एम क्या कौन सा गलत, वो माइनस 3 एम. हाँ तो माइनस 3 एम स्क्वायर लिखा ना मैंने. हाँ राइट 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 है ना. तो माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 3 एम यानी 3 बाई डी प्लस 3 इक्वल टू जीरो. तो ये 27 by dq minus 27 by dq 9 by d plus 3 equal to 0. तो d तो negative ही आ रहा है minus 3. चेक करता मैं इसकी calculation बाद में है ना. Question number 28 में देखो the angle between the two lines. ये तो easy है ना. तो lines दे रखे 2x square plus 5xy plus 3y square प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू जीरो. तो इसका a कितना होगा 2, इसका b कितना होगा 3, h कितना होगा 5 बाय 2. तो एंगल कितना होगा tan थीटा इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो m की वैल्यू आएगी. तो tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 1 by 5, तो m कितना हो जाएगा 1 by 5. ये m बस नंबर है, स्लोप नहीं है. उसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये स्लोप है, वो एक नंबर है बस. 28 डन. 29 इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू 90 डिग्री देन देयर इक्वेशन ऑफ द नी पॉइंट. अरे तो m की जगह माइनस 1 by m रखेंगे ना, m की जगह माइनस वन बाय एम. इजी है इसका फंडा बताओ ना. क्या फंडा,
वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे ना, 90 डिग्री हो गए ना पहले ऐसी, तो राइट एंगल से तो जो पहले m1 थी अब वो माइनस वन बाय एम वन हो जाएगी, और जो m2 थी वो माइनस वन बाय एम टू हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री से रोटेट होगा ना, 90 डिग्री से रोटेट होगा तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m की जगह माइनस वन बाय 29 डन 30. कौन नालायक पूछा ये प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, नोट्स का क्वेश्चन है ये सर, चैट करो सर, मैं आपको पहले डाला था. हाँ ना, ये कौन है, मैं इसको रुक कभी क्या, नोट्स नहीं पढ़ते क्या तुम लोग यार? क्वेश्चन नंबर 30 अथर्व जोशी का ही है, अथर्व जोशी, शिवम वाडकर, क्वेश्चन नंबर 30. अथर्व जोशी शिवम वाडकर का क्वेश्चन है, तुम नोट्स नहीं पढ़ते क्या तुम लोग? नोट्स में तो दे रखा है पूरा. ओके डीपीपी 4, एक मिनट में पानी पी लेता. नोट्स पढ़ो अच्छे से, ऐसे मत करो सर. डीपीपी 4 के बाद क्या लेने वाले आप, क्या चाहता क्या तुम? सर पजल ले लो सर. सर पजल नहीं, नहीं नॉट पॉसिबल. नहीं सर, नहीं सर, पजल नहीं, थ्योरेटिकल डाउट था ना. नॉट पॉसिबल सर. कोई सर, आप मैंने आपकी मीटिंग देखी सर, आप सबको किस्सा सुना दो सर, हमें नहीं सुना आपने. टाइम ही नहीं मिलता, तुम लोग ढाई ढाई घंटे मीटिंग में खाते मेरा. तुम्हें यार ऑफलाइन में बचेंगे ना अपने पास, बहुत सारे बचेंगे, बहुत सारे. कोई बात नहीं अथर्व जोशी, इट्स ओके. मैं तो बस ऐसे बोल रहा था कि ध्यान रखो, है ना. अरे ऑफलाइन में बताता ना मैं बहुत सारी चीजें. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32. देखो क्वेश्चन नंबर 32 में कैसा है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है. वो क्वेश्चन है ना 3x square minus 5xy minus 2y square equal to 0 होना था, है ना. तो क्वेश्चन में अब देखते हैं इसमें क्या करना है. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू 1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन. तो पहले क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं. तो ये क्या लिखी हुई है, माइनस टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट किया. तो अब इसके परपेंडिकुलर बनानी है, तो m की जगह माइनस वन बाय एम, तो ये हो गया माइनस टू बाय एम स्क्वायर प्लस फाइव बाय एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगा थ्री एम स्क्वायर प्लस फाइव एम माइनस टू इक्वल टू जीरो. तो ये अब m की जगह y बाय एक्स पुट कर दो, तो 3y square minus plus 5xy minus 2x square equal to 0. तो ये कौन आ गई, ये आ गई उन लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन जो होमोजीनियस दे रखी थी ना, जो होमोजीनियस दे रखी थी उनके परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन आ गई एक तरह से. अब उसने क्या बोला कि इसको 1,1 से पास भी कराना है, तो शिफ्टिंग. तो अब इसको 1,1 से पास भी कराना है, तो शिफ्टिंग. तो 3 times y minus 1 का square, 5 times x minus 1, y minus 1, minus 2 times x minus 1 का square equal to 0. तो shifting लगा दी 1,1 पे. ठीक है, पर ये answer match नहीं कर रहा, तो इसलिए answer none of these है. Question number 33. Sir. हाँ बोलो. Sir वो उसमें coefficient में दिखा था कि अगर perpendicular है तो coefficient switch कर दो. और फिर मैंने एक नेगेटिव साइन लगा दिया. हाँ वो भी है, वही है एग्जैक्टली वही हो रहा है, पर मैंने स्टेप्स लिख के बता दिया. तो तुम्हें अगर डायरेक्ट तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ना अपने को वो ऑब्जर्वेशन में भी आ जाता कि x और y, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और जो एक्स वाई का. सर फिर वो ऐसा हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर. हाँ बस वही है, और पहले था ना, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो अब 33 देखो.
33 में क्या दिया है, y equal to mod of x minus 1 है और इसका y axis के अबाउट मिरर इमेज निकालना है, तो पहले मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस x माइनस 1, तो y equal to x minus 1, y equal to minus x plus 1, तो ये दो लाइन कौन है, एक y equal to x minus 1 यानी पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट और एक है y equal to minus x plus 1 नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो एक लाइन आ जाएगी x minus y minus 1 equal to 0, दूसरी आएगी x plus y minus 1 equal to 0, तो उससे पूछा है मिरर इमेज, तो मैं क्या करूंगा पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो इसका मतलब जो चीज पहले इधर चल रही थी अब वो इधर चलेगी, मतलब जो चीज पहले x पे चल रही थी वो माइनस x, तो बस x की जगह माइनस x रखना, थोड़ी देर पहले निकाला था ना अपन ने x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो x की जगह माइनस x रख दो और फिर जो एक्सपेंड करके इक्वेशन आएगा वही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 द मिक्स्ड टर्म 34 अच्छा क्वेश्चन है, द मिक्स्ड टर्म एक्स वाई इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसको रोटेट किया है थीटा एंगल से, तो अपना अगर रोटेट करते तो अपना ये है ना रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा, तो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वन शुड रोटेट थ्रू रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया है, तो एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा, नहीं नहीं क्या कर दिया मैंने, कैपिटल एक्स कॉस कैपिटल वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको रख देंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, तो टू एच एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos theta plus by square, तो x sin theta minus plus y cos theta का whole square plus 2gx, 2gx plus 2fy plus c equal to 0, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ये g के आगे capital x small x और 2f के आगे y नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है coefficient of xy equal to 0, तो अपने को बस वही ढूंढने जो coefficient of xy देगा, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा, इनमें नहीं मिलेगा, तो ठीक है पहले वाले में क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई माइनस टू ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर दूसरे वाले में क्या मिलेगा, ये एक्स कॉस थीटा वाई साइन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो टू एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो टू बी कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस ए साइन टू थीटा प्लस टू एच कॉस टू थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा प्लस टू बी प्लस बी साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, फिर ये साइन टू थीटा वाला अलग कर लिया और टू एच कॉस थीटा वाला अलग कर लिया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा टेन टू थीटा, तो टू एच अपॉन ए माइनस बी, 2h upon a minus b, done. Question number 36. Sir. हाँ बोलो. Sir, question 36 में sir, question में doubt नहीं sir, marking में doubt है. Marking में doubt है, बोलो. हाँ, marking में doubt है. इसका answer lines parallel भी आए. हाँ, a, b, c, d चारों answer आएगा. हाँ sir. हाँ, इसका चारों answer आएगा, क्योंकि इसमें जो lines है ना, ये देखो 6x square minus 5x minus 6y square equal to 0 और दूसरा है 6x square minus 5xy minus 6y square plus x plus 5y minus 1 equal to 0, तो इसमें हो क्या रहा है, देखा जाए तो शुरू के ये तीनों टर्म तो सेम है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है, और दूसरी चीज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x square plus कोफिशिएंट y square 0 है, यानी लाइंस है परपेंडिकुलर, तो इसमें हो क्या रहा है,
परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, और एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है क्योंकि ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, फिर ये बाकी का निकालेंगे ना तो वन यूनिट की लेंथ आती है, तो ये परपेंडिकुलर भी है और वन यूनिट की लेंथ भी आती है, तो ये बन गया स्क्वायर। और अगर वो स्क्वायर है तो रोम्बस तो रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरोग्राम तीनों है। एग्जैक्टली तो रेक्टेंगल भी होगा और स्क्वायर है तो पैरोग्राम भी होगा, तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा एबीसीडी, है ना, तो उसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 सर, ये मत बताना सर, पर किसी ने तो पूछा है। मैंने ही पूछा था सर, वो मैंने लाइफ क्या है सोचा था सर, वो लाइन है ऐसा है क्या? अच्छा वो लाइफ हाँ। लाइन है वो। इसमें बस करना क्या है? अच्छा वो तूने और कुछ नहीं सोचा, पर इसमें करना क्या है कि एक लाइन कॉमन है तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाना है, कंडीशन ऑफ अ कॉमन रूट, फिर भी बता देता मैं। तो बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो एक लाइन आ जाएगी, और वन प्लस एम माइनस ट्वेल्व, नहीं एम स्क्वायर प्लस एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये दूसरी आ जाएगी, फिर कंडीशन ऑफ अ कॉमन रूट लगाना है। सर क्या आती सर, हम भूल गए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। वो क्रेमर्स रूल्स है ना, नहीं तो ठीक है ना, और इजी तरीका बताता, ये इसके रूट क्या क्या आ रहा है, एक थ्री आएगा और एक माइनस फोर आएगा, तो एक बार क्या करो यहाँ पर m की वैल्यू थ्री रख दो, और एक बार क्या करो m की वैल्यू माइनस फोर रख दो, तो वहां से ए बी एच में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से भी ए बी एच में रिलेशन आ जाएगा, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मल्टीपल करेक्ट है ना ये, वन और मोर देन वन, तो दो आंसर आ जाएंगे, तो दो आंसर आ जाएंगे। 39 में तो बहुत बड़ा गोल है सर, नहीं देख लेते ना क्या झोल है। 39 तो इजी है, बल्कि ज्यादा नहीं है, देखो उसमें क्या हो रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू, हां बोलो सर, ऐसा एक क्वेश्चन लेक्चर में भी लिया था ना, हां अल्फा और अल्फा स्क्वायर में भी लिया है, फिर स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस हुए हैं, पर देख लो यहां पे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वो सॉल्यूशन में बहुत, हाँ वो सॉल्यूशन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं बताता है ना क्या है, मैं बताता कैसे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 में ना, तो पहले लाइंस निकालते हैं, तो एक हो जाएगी x इज इक्वल टू y, एक हो जाएगी y इक्वल टू माइनस x, और एक हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैंने प्लॉट किया, तो इसको अगर मैंने प्लॉट किया तो देखो क्या क्या बनेगा, तो y इक्वल टू x ऐसी बनेगी, एक y इक्वल टू माइनस x और एक 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगी। अब एक तो ओरिजिन हो गया, एक a और b, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो a इंटरसेक्शन पॉइंट होगा y इक्वल टू x और 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का ए पॉइंट, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, तो बी पॉइंट आ जाएगा माइनस सिक्स कॉमा सिक्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन ने बोला है कि माइनस टू कॉमा ए इंटीरियर पॉइंट है, तो अगर माइनस टू कॉमा ए इंटीरियर पॉइंट है तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखो तो माइनस टू कॉमा ए, तो माइनस टू यानी x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस टू फिक्स है, मतलब यानी इस पे लाई करेगा, तो बस अपने को देखना क्या है कि ये कब इसके अंदर होगा, तो यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो नहीं नहीं उसके पोजीशन ऑफ पॉइंट नहीं है, वो पोजीशन ऑफ पॉइंट तो तब देखते हैं जब दो पॉइंट्स देखे जाते हैं, यहाँ पर एक ही पॉइंट का ए का वैल्यू निकालना ना, तो देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है बस, तो पी वन का एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस टू आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स पे लाई कर रहा है पी वन, तो वाई कोऑर्डिनेट टू आ जाएगा, अब P2 का x कोऑर्डिनेट माइनस टू है और वो लाई कर रहा है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पे, तो इसमें x को माइनस टू रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा 10 बाई 3, तो इसका मतलब 10 बाई 3, तो माइनस 2 कॉमा a का जो a होगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, P1 और P2 के बीच में, तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 बाई 3, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि उसने इंटीरियर बोला है,
इंटीरियर बोला है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। अब बचा बी कॉमा वन, तो बी कॉमा वन में देखो, तो बी कॉमा वन में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट वन है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और वो ए पॉइंट के नीचे होगी क्योंकि ए का वाई कोऑर्डिनेट 6/5 है, तो वाई इक्वल टू वन नीचे आएगी 6/5 से कम, तो ये देखना है। तो ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू, तो फिर मुझे ये निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट क्यू वन और क्यू टू के, तो क्यू वन का देखते हैं, तो क्यू वन का वाई कोऑर्डिनेट तो वन ही होगा और वो वाई इक्वल टू माइनस एक्स पे लाई कर रहा है, तो माइनस वन कॉमा वन, और क्यू टू का वाई कोऑर्डिनेट वन होगा और एक्स कोऑर्डिनेट भी वन होगा, तो इसको इंटीरियर होने के लिए वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर होना चाहिए, क्वेश्चन में एक्सटीरियर दे रखा है, वही प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या? हाँ सर, उससे तो पूरा आंसर के लेता गया। हाँ तो वो इंटीरियर होना चाहिए था सर, एक्सटीरियर की वही बोला उसका। हाँ उसका लास्ट लिमिट आएगा या नहीं? हाँ सर, बड़ा ही रहेगा। हाँ तो और एक बार बताओ ना सर, क्या फिर से एक बार बताओ ना सर? नहीं सुनाई नहीं दे रहा, क्या कर रहे हैं फिर से एक बार बताओ ना सर? अरे वो रिकॉर्डिंग देख लेना तू अभी। तो ये देखो, ये बी जो होगा ना वो इंटीरियर होगा, तो इंटीरियर होने के लिए अब इसका बी जो है, बी कौन है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए ताकि वो अंदर हो सके, तो बी इज ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन, तो क्वेश्चन में करेक्शन है, उसने एम वन उसने एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जिसको दोबारा समझ रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, तो एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स वाई टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहा है कि ये दोनों लाइन अल्फा बीटा एंगल बना रही है, तो एक अल्फा बना रहा है एक बीटा बना रहा है, तो इसका मतलब टेन अल्फा हो गया एम वन और टेन बीटा हो गया एम टू, तो बस इजी है। ऑप्शन में क्या चल रहा है, ए ऑप्शन है एम वन प्लस एम टू, तो एम वन प्लस एम टू कितना होता है, एम वन प्लस एम टू होता है माइनस टू एच अपॉन बी, और एम वन एम टू क्या होता है ए बाय बी, तो ए में निकालना है एम वन प्लस एम टू, बी में निकालना है एम वन एम टू, सी में निकालना है एम वन माइनस एम टू, और वो कितना होगा रूट ओवर एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, ये चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। फिर डी ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, उसने एम वन बाय एम टू पूछा है, तो उसका एक इजी तरीका है, ए ऑप्शन से एम वन प्लस एम टू आ जाएगा और सी ऑप्शन से एम वन माइनस एम टू आ जाएगा, ए ऑप्शन से एम वन प्लस एम टू और बी सी ऑप्शन से एम वन माइनस एम टू, और इस पे लगा दो कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो इस पे लगाया कंपोनेंट और डिविडेंडो, ये क्या आएगा टू एम वन अपॉन टू एम टू आ जाएगा, तो इधर भी सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी है, पर ये आना चाहिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था। ठीक है अब बचा अपना 27, तो 27 का क्या इश्यू है वो देखते हैं। तो 27 में कहाँ गड़बड़ हो रही थी, तो 27 में उसने दिया है 3x क्यू माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x माइनस 3xy स्क्वायर प्लस dy क्यूब इक्वल टू जीरो। तो अगर इसके तीन रूट्स m1 m2 m3 है तो ये आएगा dm क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 इक्वल टू जीरो, और इस तीन रूट्स m1 m2 m3 और m1 m2 माइनस वन दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस 3 बाय d, और m1 m2 है माइनस, तो माइनस m3 इक्वल टू माइनस 3 बाय d, तो m3 कितना आ गया 3 बाय d, और ये रूट है
तो ये सेटिस्फाई करेगा. तो 3 बाय डी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 बाय डी का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 बाय डी प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये तो कैंसिल हो गया और ये डी इक्वल टू माइनस 3 आया. तो डी तो माइनस 3 आ रहा है पर ये सॉल्यूशन ने क्या दिया है वो देखते हैं एक बार. सर वो कंपेयरिंग से दिया है, कंपेयरिंग कोई भी. हाँ पर उसमें अगर कंपेयरिंग से दिया है तो कुछ तो गलती होगी ना उसके, तो वो गलती अपने को ढूंढनी पड़ेगी. तो 3x³ तो उसने क्या किया है, अच्छा परपेंडिकुलर है तो x² प्लस px² माइनस y² मान लिया. x² प्लस px² माइनस y² और दूसरा मान लिया 3x ताकि 3x³ आ जाए माइनस dy ताकि प्लस d. तो ये 3x³ आ जाएगा और इधर dy³ आ जाएगा. अब बचा बीच के टर्म, तो बीच के टर्म्स क्या होंगे, 3px² माइनस 3xy² माइनस dx² माइनस pdxy². अब कोफिशिएंट कंपेयर किए तो x² y का कोफिशिएंट कितना है 3 और इधर कितना है 3p माइनस d और xy² का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो माइनस 3 और x इधर है माइनस 3 माइनस pd. हाँ सही है ना. तो अब मुझे चाहिए d की वैल्यू तो p सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो 3 इक्वल टू नहीं 3 प्लस d बाय 3 p आ जाएगा. माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 माइनस d इंटू 3 प्लस d बाय 3. तो 3 इक्वल टू 3 प्लस d इंटू 3 प्लस d बाय 3. तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9. अरे 3 तो कैंसिल हो गया ना, 3 पहले कैंसिल हो गया था. हाँ वही ना, मैं भी ज्यादा खींच दिया उसको. नहीं मैं अच्छा ये तो माइनस थ्री तो कैंसिल हो गया ना. तो pd इक्वल टू 0 तो इसका मतलब d प्लस 3 बाय 3 इंटू d इक्वल टू 0 तो d इक्वल टू माइनस 3 सही है. तो सॉल्यूशन में गलती है, सॉल्यूशन में उसने 2 मान के कर दिया समझा, वो प्लस 3 ले लिया उसने तो सॉल्यूशन गलत है. तो d इक्वल टू माइनस 3 अपना करेक्ट है. तो 27 का आंसर हो जाएगा c, 27 का आंसर हो जाएगा c d इक्वल टू माइनस 3 विच इज करेक्ट. तो मैंने जो पहले अप्रोच से डिस्कस किया ना ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है. 27 डन. सो ऑल डन ठीक है फिर सर. पजल हाँ सर पजल दे दो ना. अभी नहीं हो पाएगा यार, अभी वो याद बात करना पड़ेगा सर. बोर हो गए सर पेपर के लिए पढ़ के. वो तो यार अब उसमें तो क्या क्या इंटरेस्टिंग है, मार्क्स ही इंटरेस्टिंग है. सर सर वो एरोस्पेस वाला किस्सा बताओ ना सर. इतना बोर हो रहा है सर, सिर्फ पढ़ाई करके सो जाने का वापस. सर आप बोले थे आपने एरोस्पेस ही क्यों लिया बॉम्बे में. अच्छा वो भी है यार. नहीं यार मैं भी मानता हूँ यार, बोर तो रहेगा यार घर पे. मैं भी सड़ गया यार, मेरे को तो कितना हो गया यार, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैं 7 मंथ्स हो गया. मैं तो कमरे में ही हूँ. सर आप अकेले रहते हो क्या. हाँ यार मैं सिंगल हूँ यार. है सर आप घर नहीं गए. घर नहीं गया ना, ये कोविड ने कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं ना. सर तो जयपुर में जाके मजे कर रहे सर. नहीं ऐसा नहीं है कि वो मजे कर रहे हैं, वहाँ से भी मतलब यहाँ नहीं लेक्चर भी है. बस उनको घर पे ही है, बस वो उनको सुकून है कि घर पे है. काम तो उधर भी करना ही पड़ेगा उनको भी. तो एक्चुअली क्या है ना यार, अभी मेरा भी था मन जाने का लेकिन अब क्या करें, कोविड की वजह से हो नहीं पाया. मैंने सोचा यार खावका काय को रिस्क लेने का, इसलिए. तो